आज मैं यह प्रयागराज में आया था, मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी सभा अटेंड करनी थी, लेकिन मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया। लेकिन यहाँ मतलब अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी और इलाहाबाद के अपने प्रयागराज के दक्षिणी शहर के प्रत्याशी नंद गोपाल गुप्ता जी, ये दोनों के प्रचार के लिए मैं इधर आया हूँ। दोनों की रैली को मैं संबोधित करने वाला हूँ। एक तो उत्तर प्रदेश का सीनियर मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 312 सीटें और एनडीए को 325 सीटें में मिली थी, अभी भी मतलब 300 पार करने का प्लान हमारा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का विकास गति से हो रहा है और नौजवान लोग है, बेरोजगार लोग है, जिस तरह मुद्रा योजना के अंतर्गत कम से कम 32 करोड़ लोगों को लोन में मिला है और उन्होंने अपने अपने उद्योग शुरू किए हैं। 8 करोड़ लोगों को मतलब गैस सिलेंडर मिला है। कम से कम 42 करोड़ लोगों के अकाउंट जनधन योजना में बैंक में खुले हैं। जो आवास योजना है प्रधानमंत्री जी की, उसमें शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना, इसमें कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मकान भी मिले, पक्के मकान मिले शौचालय के साथ। आयुष्मान भारत योजना में भी करोड़ों लोगों का फायदा हुआ है। तो इसी तरह मतलब बहुत सारे के किसानों के लिए, मतलब जो कानून था जो किसानों के भले के लिए, वो कानून मतलब 3 कानून लाए थे, लेकिन किसानों की भावनाओं का विचार करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मतलब 3 कानून पीछे ले लिए है। इसीलिए जो थोड़ा सा विरोध था वो पूरा कम हो गया है। जाट समाज ने भी मतलब बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय ले लिया है। यादव समाज से भी कई लोग मतलब बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। जहां दलित समाज का तो सवाल जो है, तो मायावती पर दलित समाज की काफ़ी नाराजगी बढ़ती जा रही है और इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी ने ये निर्णय ले लिया है। बीजेपी के समर्थन में मतलब पूरे राज्य में RPI बीजेपी के साथ रहेगी और जो दलित वोट है, ये दलित वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश हम करेंगे और हमें विश्वास है कि कम से कम 25% जो वोट है दलितों का वोट मतलब बीजेपी की तरफ लाने में हमको अच्छी कामयाबी मिल सकती है और बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और इसीलिए मैं भी मतलब मेरे कार्यकर्ता और मैं भी पूरे उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा हूँ और मुझे पूरी आशा है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ है। अखिलेश यादव जी ने मतलब बीजेपी पर बहुत ही आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं। अखिलेश यादव जी के सरकार में दंगाई या दंगे होते थे, लेकिन योगी के राज्य में दंगे खत्म हो चुके हैं, सभी वर्गों को न्याय मिल रहा है और इसीलिए बीजेपी को ही जनता पसंद करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। अच्छा, ये नवाब मलिक का जो मसला है, क्या उसका भी उत्तर प्रदेश में कुछ प्रभाव पड़ेगा? मुझे लगता है कि भाई नवाब मलिक के अरेस्ट करने के बाद मतलब ED ने जो उनको जानकारी मिली है, मतलब नवाब मलिक के ऊपर ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आरोप उनके ऊपर जो थे उसकी जांच ED ने कर ली और उनके संबंध उन्होंने जो जमीन खरीद ली है तो उससे दाऊद से मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंध नज़र आते हैं, ऐसा ED ने बताया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार ने बोलने से उनको अरेस्ट किया ऐसा बिल्कुल नहीं है और हम किसको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। जो ED है, CBI है, NCB है, इनकम टैक्स है, ये जो डिपार्टमेंट है ये इंडिपेंडेंट होते हैं। उनके पास जो पेपर आते हैं और उसका जो स्टडी करते हैं उसमें जहाँ अनियमितता अपन दिखाई दे देती है उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो उसी तरह ये लगता है कि नवाब मलिक पर जो कार्रवाई हुई है ये पूरे पेपर के आधार पर हुई है और इसीलिए मुझे लगता है कि उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अच्छा, ये आपकी पार्टी का जो आप घूम रहे हैं इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? हाँ, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में RPI का प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि जिस तरह मायावती के साथ पूरा दलित वोट था, लेकिन मायावती के माध्यम से दलितों का भ्रमनिरास हो गया है। दलित इतने मायावती पर कुछ नहीं है। एक जमाना था कि हमारी बहन हमारी मुख्यमंत्री बन गई है और 3-4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मायावती को मिला।
तीन बार मुख्यमंत्री मायावती बीजेपी के सपोर्ट से बनी थी और चौथी बार अपने बलबूते पर बनी थी, लेकिन अभी पूरा उनका जनाधार खिसकता जा रहा है और इसीलिए आरपीआई की तरफ लोग देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव के रूप में। एक जमाना था कि यहाँ आरपीआई सत्ता में रही है, चरण सिंह के सरकार में हमारे चार मंत्री थे, 19 MLA हाथी सिंबल पर चुनकर आए थे, लेकिन वो जमाना आज नहीं है। लेकिन दोबारा वो जमाना लाने की कोशिश हमारी है जो रिपब्लिकन पार्टी के ज़मीन पर मायावती ने कब्जा किया है, BSP ने कब्जा किया है, उस ज़मीन का कुछ हिस्सा तो हमको चाहिए। तो इसीलिए पहले इस इलेक्शन में कम से कम 25% 1/4 जो मतलब जो ज़मीन है या होटल्स है वो मतलब बीजेपी की तरफ लाने में हमको सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और उसी विश्वास के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। और दलित बीजेपी के साथ आने का कारण ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं, दलितों के रिजर्वेशन का पूरा समर्थन करते हैं। बातमी मागची बातमी म्हणजे 24